वुमेन्स युवा कबड्डी सीरीज मैच नंबर 14 खेला जाएगा हिमालयन ताहर्स वर्सेस पेरियार पैंथर्स वुमेन्स के बीच में। दोनों टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, एक एक प्लेयर के बारे में बात करेंगे, कौन सी टीम की कौन सी प्लेयर आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट रहेगी, सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ। बस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा, और अगर आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो ईजिली आप इस मैच में काफ़ी शानदार विनिंग कर जाओगे। तो वीडियो अगर देखने आ रहे हो तो वीडियो को एंड तक ही वॉच कीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ भाई यहां पर इस मैच में कुछ ऐसी डिफरेंशियल प्लेयर्स हैं जिनका सिलेक्शन लो दिखेगा लेकिन परफॉर्मेंस उनकी हाई आ सकती है, और कुछ ऐसी प्लेयर्स हैं जिनका सिलेक्शन हाई दिखेगा लेकिन परफॉर्मेंस लो आ सकती है। तो सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लाइक कर दोगे तो भाई मोटिवेशन बना रहेगा काम करने का। साथ ही साथ भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए जो भी मेरी फाइनल टीम रहेगी इस मैच की वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बिना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए विनिंग करना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बात करें पॉइंट्स टेबल की तो एक टीम सबसे नीचे लगी हुई है, दूसरी टीम भाई सेकेंड पोजिशन पर है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पेरियार पैंथर्स भाई ऑलमोस्ट टूर्नामेंट से आउट हो चुके हैं, और यहाँ पर भाई हिमालयन ताहर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर ही चुके हैं। अब अगर बात करें भाई दोनों टीम्स में से कौन सी टीम के जीतने के चांसेज है, तो नो आउट भाई हिमालयन ताहर्स वुमेन्स यहां पर फेवरेट उतरने वाली है, और इन्हीं के फेवर में हम टीम बनाएंगे, 5-2 का रेशियो रखेंगे इन फेवर ऑफ हिमालयन ताहर्स। तो चलिए भाई बात करते हैं दोनों टीम्स की स्टार्टिंग 7 की। तो सबसे पहले भाई हिमालयन ताहर्स से ही स्टार्ट कर लेते हैं। यहां पर देखिए डिंपल आपको दिखेगी जो कि भाई डिफेंस सेक्शन में एक ठीक ठाक प्लेयर है, लास्ट मैच में कुछ खास नहीं कर पाई, ना तो ज्यादा टैकल किए ना ही ज्यादा भाई रेडिंग में कुछ किया, और ठीक ठाक प्लेयर है। अगर आप चाहो तो बैक कर सकते हो, चाहो तो इसकी जगह पर कुछ डिफरेंशियल पिक्स को ट्राई कर सकते, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कौन सी पिक रहेंगे। चंपा ठाकुर की बात करें तो लास्ट मैच में 6 टैकल पॉइंट निकाले, जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगी, जरूर से जरूर आप इन्हें अपनी टीम में बैक कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर आपको इनसे जस्ट आगे दिखेंगे किरण ठाकुर, जो कि भाई लास्ट मैच में अगेन थोड़ी सी एवरेज ही नजर आई। अब बाकी अगर बात करें भाई ऑलराउंडर सेक्शन की तो यहाँ पर देखिए आपको भावना देवी दिखेंगी जो कि लास्ट मैच में जबरदस्त प्लेयर रही, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5 टैकल इन्होंने निकाले और आपके लिए इस मैच में भी इंपॉर्टेंट रहेंगी, इवन सीवीसी की वन ऑफ द सेफेस्ट पिक रहेंगी। वहीं अगर आप देखोगे टी कल्याण, इनकी अगर बात करें तो इन्होंने भी कुछ खास नहीं किया, जीएल मिनीजीएल में इंपॉर्टेंट रहेंगी, लेकिन के कुलदीप की बात करें तो ये अगर स्टार्टिंग 7 में आते तो आए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, बट अगर सब्सटीट्यूट के तौर पर आएंगे तो भाई कन्फर्म नहीं है खेलेंगी नहीं खेलेंगी, तो उस कंडीशन में आप इन्हें ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। बाकी जो कैप्टनसी की सबसे सेफ और बेस्ट ऑप्शन रहेंगी वो रहेंगी भाई पुष्पा, लास्ट मैच में अगर आप देखोगे तो भाई देखिए 12 पॉइंट निकाले, 11 टच पॉइंट प्लस भाई एक बोनस पॉइंट। इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर देखिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर एक मैच में सुपर 10 लगाया, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। जय सुरेश रहेंगे यानी कि ज्योति कुमारी रहेंगी यहां पर आपके लिए, जिन्होंने लास्ट मैच में 7 टच पॉइंट निकाले, उससे पहले वाले मैच में आप देखोगे 7 पॉइंट यहां पर अगेन रेडिंग में, यहां पर आप देखो 5 रेडिंग पॉइंट, एक डिफेंस में पॉइंट, यहां पर अगर आप देखोगे तो अगेन भाई 5 पॉइंट रेडिंग में निकाले, तो एक तगड़ी पिक आपके लिए रहने वाली है। तो 5 प्लेयर जो इनकी तरफ से लेने वो कौन कौन से रहेंगे, तो सेफ पिक की बात करें जय सुरेश कुमार और पुष्पा यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसके अलावा भावना यहाँ पर रहेंगी 3 प्लेयर, और चौथी प्लेयर आपके लिए चंपा रहेंगी। 5वीं प्लेयर के तौर पर सेफ अगर आपको जाना तो भाई डिंपल को ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर भाई के ठाकुर, या फिर यहाँ से भाई आप अपनी टीम में टी कल्याण को ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर बात करें भाई सामने वाली टीम की पेरियार पैंथर्स की, इनकी टीम की तरफ से भाई अभी तक सारी टीम मतलब सारी जो प्लेयर्स वो कंसिस्टेंसी से एक साथ मिलकर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है, इसीलिए भाई इनका मतलब अभी तक टूर्नामेंट में इस लेवल का परफॉर्मेंस है, अदरवाइज भाई प्लेयर इनके पास भी काफ़ी अच्छी अच्छी है। यहां पर देखोगे भाई अवंतिका को तो लास्ट मैच में आप देखिए अवंतिका ने क्या नहीं किया भाई, 7 टच पॉइंट एक टैकल निकाल कर दिया, इससे पहले वाले मैच में 3 टच पॉइंट एक टैकल, और इसके अलावा उससे पहले वाले मैच में देखो तो यहां पर भी 2 टैकल निकाले, जो फर्स्ट मैच था उसमें भी 2 टैकल एक बोनस पॉइंट निकाला, यानी कि कंटिन्यू अच्छा करती आई है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर भाई अगर बात करें कीर्ति की तो स्टार्टिंग के 2 मैच में कीर्ति ने भी अच्छा किया हुआ है, 9 पॉइंट यहां पर निकाले रेडिंग में, फर्स्ट मैच में आप देखोगे तो भाई यहां पर भी 5 पॉइंट निकाले, बट दिक्कत यह है कि भाई
प्लेयर्स मिलकर एक साथ परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें ऑलराउंडर सेक्शन में, तो एक भी ऐसी प्लेयर आपको नहीं दिखेगी जिन्हें आप स्मॉल लीग में ट्राई कर पाओ, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें जो डिफेंस सेक्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए अगर आपको सेफ जाना है तो ज्योति अर्ग्यान के साथ आप जा सकते हो, बट अगर आप थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड कर सको तो लास्ट के दो मैच में जबरदस्त परफॉर्मेंस आई है किसकी, यहाँ पर खुशी सिंह की। लास्ट सेकंड लास्ट मैच में देखोगे सब्स्टिट्यूट के तौर पर आई, 7 रेड पॉइंट और 2 टैकल पॉइंट निकाले। लास्ट मैच में अगर आप देखोगे स्टार्टिंग 7 में आई, 3 टच पॉइंट 2 बोनस पॉइंट फिर से निकाले, यानी कि 5 रेड पॉइंट प्लस 1 टैकल इन्होंने फिर से निकाला हुआ है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। अब अगर बात करें भाई यहाँ पर टीम की, तो चलिए आपको टीम बना के दिखाते हैं। सबसे पहले भाई यहाँ से मैं अपनी टीम में खुशी सिंह को रखूंगा, चंपा को रखूंगा, इसके अलावा बात करें ऑलराउंडर सेक्शन में तो यहाँ पर भावना को रखूंगा और टी कल्याणी को रखूंगा। बाकी अगर बात करें भाई रेडिंग सेक्शन की, तो यहाँ पर भाई रेडिंग में आप अपनी टीम में रख सकते हो पी जयपाल को, अवंतिका को, और इसके अलावा जय सुरेश कुमारी को, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टीम का प्रिव्यू कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा। अब अगर बात करें भाई सीवीसी की, नो डाउट भाई कैप्टनसी मैं पुष्पा जयपाल को दूंगा। वीसी की अगर बात करें, सेफ अगर आपको जाना तो भाई चंपा के साथ जा सकते हो, थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड कर सको तो भाई आप जय सुरेश कुमारी के साथ भी जा सकते हो, बट मैं जा रहा हूँ बिल्कुल डिफरेंशियल यहाँ पर भाई भावना देवी के साथ। टीम के प्रिव्यू की बात करें तो वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख जाएगी भाई, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फाइनल टीम है। कोई भी अगर चेंजमेंट होता है, कुछ भी अगर अपडेट आती है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।